Assalamualaikum dear students. Today we would continue with this what you called as ecosystem जो हमने start किया था ecosystem ecology. Today we would start our lecture with two important terms. उसके बाद बेटे हम इसका last unit last part discuss करेंगे that is decomposition. तो उसके साथ ये ecosystem वाला part खत्म होता है और थोड़ा सा ecological services के बारे में आपको बता देंगे. तो उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है दैट इज बायोडाइवर्सिटी. चले बेटे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. वी हैव अ टर्म इन योर टेक्स्ट बुक माय डियर स्टूडेंट्स दैट्स कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. लिख लीजिए मेरे बच्चों आप स्टैंडिंग क्रॉप. देखो बेटे चूंकि हम फूड चेन्स की बात कर रहे थे कोई भी ट्रॉफिक लेवल लेंगे हम. मान लीजिए है T1 यह है मेरे बच्चों T2 यह है T3 कोई भी ट्रॉफिक लेवल. ऑब्वियसली आप बता दीजिए मुझे T1 पर कौन होंगे प्रोड्यूसर्स T2 पे प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन. तो माय डियर स्टूडेंट्स स्टैंडिंग क्रॉप होता है द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर और द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट at a particular trophic level in the food chain present at a particular trophic level in the food chain is called a standing crop. इसको मेरे बच्चों हम बोलते हैं standing crop. एक बार फिर ये food chain है ये इसके different trophic levels है. किसी भी trophic level पर आप देख लो बेटे T1 पर T2 पे T3 पे. obviously मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ T1 पर क्या होंगे producers T2 पर herbivores बेटे. तो यहां पर होंगे फिर ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स के बाद होंगे बेटे प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज हर्बीवोर्स और हर्बीवोर्स के बाद होंगे फिर कार्निवोर्स प्राइमरी कार्निवोर्स. देखो बेटा ये तो फूड चेन है T1 है T2 T3 T1 पर प्रोड्यूसर्स T2 पर हर्बीवोर्स एंड T3 पर प्राइमरी कार्निवोर्स. अगर आप किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर फूड चेन की किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जैसे यहां पर प्रोड्यूसर्स होंगे प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स का कितना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता होगा बेटा द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर और द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन दैट कॉन्स्टिट्यूट स्टैंडिंग क्रॉप. किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर कितना लिविंग मैटर होगा कितना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होगा बेटा उस चीज को हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. तो आई वुड रैबिट ऑफ या मैं इसे लिखूंगा बेटा स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोलते हैं आप लिख लीजिए मेरे साथ द टोटल आप लिख लीजिए बेटे ये चीज द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर और वी कैन से ऑर्गेनिक मैटर द टोटल अमाउंट ऑफ मगर ये इंपॉर्टेंट है लिविंग मैटर यहां हम डेड मैटर की बात नहीं कर रहे बेटी द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर ऑर्गेनिक मैटर लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट अ पर्टिक्यूलर ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट एट ए पर्टिक्यूलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन. तो लिख लीजिए मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोलते हैं दैट इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट ए पर्टिक्यूलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन. एक पर्टिक्यूलर जो भी फूड चेन होगी उसमें कितना लिविंग मैटर होगा प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल उसको हम बोलते बेटे स्टैंडिंग क्रॉप. ओके नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग. एक तो इसके बारे पहले हमने बात की थी स्टैंडिंग क्रॉप की अब हम बेटा दूसरे टर्म की बात कर रहे हैं दैट इज स्टैंडिंग स्टेट. मान लो मेरे बच्चों ये कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम है हमारे पास
इकोसिस्टम है हमारे पास कोई, ग्रासलैंड मान लीजिए, फॉरेस्ट मान लीजिए, तो या कोई भी इकोसिस्टम मानेंगे बेटे, एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये मानेंगे ये है सॉइल, ये सॉइल है बेटे, दिस इज सॉइल। देखो बेटा स्टैंडिंग स्टेट किसको बोलते हैं, इस सॉइल में एट ए पर्टिकुलर टाइम कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनऑर्गेनिक मैटर होगा, इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में होगा, क्या बेटा इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे नाइट्रोजन के साल्ट्स होंगे, फॉस्फोरस होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, या और जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर होगा या इनऑर्गेनिक साल्ट होते बेटे होंगे सॉइल में, या नाइट्रोजन के साल्ट होंगे बेटे यहां पर, तो स्टैंडिंग स्टेट किस चीज को हम बोलते बेटा, द टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, द टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, व्हाट वी आर स्ट्रेसिंग हियर इज इनऑर्गेनिक, या अपने ऑर्गेनिक नहीं कंसिडर करने हैं, यहां अपने बात करनी है इनऑर्गेनिक मैटर की, इनऑर्गेनिक मिनरल मिनरल एलिमेंट्स की, नो मिनरल एलिमेंट जिनको आप बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो भी इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और आई कैन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, द टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, प्रेजेंट इन द सॉइल इन एन इकोसिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम, प्रेजेंट इन द सॉइल इन एन इकोसिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम, लिख लीजिए आप एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये हमारे पास है बेटे इकोसिस्टम, एक ये इकोसिस्टम में सॉइल है, इस सॉइल के अंदर कितने कितना इनऑर्गेनिक मैटर होगा, लाइक साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रो, लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड ऑल दैट, जितना भी ये इनऑर्गेनिक मैटर होगा, जितना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट होगा इस इकोसिस्टम की सॉइल में एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट्स कॉल्ड ए स्टैंडिंग स्टेट। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू व्हाट वी मीन बाय द स्टैंडिंग क्रॉप एंड व्हाट वी मीन बाय द स्टैंडिंग स्टेट। फर्स्ट थिंग इज दैट स्टैंडिंग क्रॉप रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिक मैटर, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टैंडिंग स्टेट रिप्रेजेंट्स इनऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये चीजें हैं बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, स्टैंडिंग स्टेट भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ और स्टैंडिंग क्रॉप भी। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू, दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, आई होप आपने ये कॉपी किया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विद द अनदर फंक्शनल एस्पेक्ट। जबकि मैंने आपको फंक्शनल एस्पेक्ट्स में बोला था, पहला बोला था मैंने बेटे प्रोडक्टिविटी, वो तो हमने डिस्कस किया, फिर मैंने बोला था एनर्जी फ्लो, वो भी बेटा डिस्कस किया। तो उसके बाद आप नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी तो डिकम्पोजिशन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ टॉपिक। इट इन्वॉल्व्स, डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स, इसमें होता क्या आप लिख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड केमिकल। हां बेटे, डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ हां तो बेटा डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक
एक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या होता है बेटा, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। उस ऑर्गेनिक मैटर को जो इसमें ब्रेक होता है इसको हम डेट्रैक्टस बोलते हैं, आगे मैं बता दूंगा। इंटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आई कैन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहां करेक्ट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो दोबारा मैं बता दूंगा बेटे, सिंपल सा चीज है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ वॉट, कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इंटू किसमें, सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एम ओब्लिक ओ, लिखकर लिख बेटे, एम ओब्लिक ओ क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइन करूंगा मैं दोबारा से डिकम्पोजिशन को, इट्स अ प्रोसेस, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो यहां तक क्लियर है, हाँ, इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं कर लेना, अगर आप ये स्किप कर लेते हो सारा फिर गलत हो गया, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। एक बार मेरे साथ डिफाइन कर लीजिए बेटे, इट इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या इंटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एम माइक्रो ओब्लिक करके लिखा मैंने, एम ओब्लिक ओ, एम ओब्लिक ओ रिप्रेजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब यहां पर एक चीज आपने, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है बेटा, डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज डेट्राइट्स, डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेट्राइट्स, हम डेट्राइट्स भी बोलते बेटा, ये जो डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेट्राइट्स, इसको हम डेट्राइट्स भी बोलते बेटे, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो या माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन डिकम्पोजिशन आर टू मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर हियर, वन इज बैक्टीरिया एंड अनदर इज फंजाई। तो जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं डिकम्पोजिशन में, इसमें दो मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वन इज बैक्टीरिया एंड अनदर इज फंजाई। ये हो गया रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, कौन, डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप डेट्राइट्स भी बोलते बेटा, इसमें डेड प्लांट मैटर भी होगा, इसमें डेड एनिमल मैटर भी होगा, एनिमल्स मर जाते हैं, दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट डेट्राइट्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो इनके अंदर होता है, प्लांट पार्ट्स, अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, बाकी चीजें राइजोम्स, वो भी बेटे व्हेन दे व्हाट यू कॉल्ड डाई
या ऑल्सो जब ये डिटैच हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से एजिंग के साथ, तो वो भी डेट्राइट्स बनाते हैं। डेट्राइट्स में डेड प्लांट मैटर भी आएगा और डेड एनिमल मैटर भी आएगा बेटी। तो माइक्रोब्स कौन से इन्वॉल्व है डिकम्पोजिशन में? वन है बैक्टीरिया एंड सेकंड इज फंगी। यहां पर ये डेट्राइट्स याद रखना मेरे बच्चों, नाउ इसके बाद साइट ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर हम देखेंगे कि यह डिकम्पोजिशन होता कहां पर है बेटी, पहले बात करेंगे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की, फिर हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की। अगर हम टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात करते हैं मेरे बच्चों, इट अकर्स इन अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होता है जैसे पॉन्ड्स होते हैं, जैसे लेक्स होते हैं, या जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होते हैं वहां ये होते बेटा इन द बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडी। तो मैंने यहां पर आपको बोला क्या बेटे, साइट ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कहां होगा? टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में जनरली अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल में होता है बेटे, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडी। उसके बाद बेटे एक छोटी सी टर्म है, एक और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो है लिटर। जैसे डेट्राइट्स में मैंने आपको अभी बोला उसमें डेड एनिमल मैटर भी आएगा, डेड प्लांट मैटर भी आएगा। लिटर जो होता है बेटा, इट इज डाइड, जो लिटर होता बेटा, लिटर हम किसको बोलते बेटे, इट इज डाइड, डाइड प्लांट पार्ट्स, इट इंक्लूड्स ड्राइड प्लांट मैटर लाइक टिविक्स, लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस एटसेट्रा विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी कॉल्ड एज, विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो लिटर एक और चीज है बेटा। लिटर और डेट्राइट्स में फर्क क्या, अगर आपको पूछा जाएगा, लिटर जो होता है और डेट्राइट्स जो होता है, जो डेट्राइट्स होता है उसमें डेड ऑर्गेनिक, डेड एनिमल मैटर भी होगा, डेड प्लांट मैटर भी होगा। लिटर जिसको हम बोलते हैं बेटा, ड्राइड डिटैच्ड प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट से पार्ट डिटैच हो जाते हैं बेटे, लाइक व्हाट यू कॉल्ड स्टिविक्स, ब्रांचेस, ड्राई ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा, जो डिटैच्ड होते हैं बेटे, और ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है जो सिर्फ प्लांट ऑरिजिन का होगा उसको लिटर बोलते बेटे। और जो लिटर होता है बेटा, डेट्राइटस जो होता है, इट कैन बी ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, इनसाइड द सॉइल एज वेल। जो लिटर होता है, लिटर इज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, ये जनरली सॉइल के सरफेस पर होता है। तो इट इज ऑल्सो रॉ मेटीरियल फॉर डिकम्पोजिशन। कौन? लिटर। जैसे डेट्राइट्स है बेटा, वैसे लिटर भी है। तो लिटर का यह है कि इट इज ड्राइड डिटैच्ड प्लांट मैटर लाइक ट्विग्स, लीव, फ्रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। ओके, डिकम्पोजिशन जो है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बेटा, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ अहम चीजें इन्वॉल्व होती है बेटा। वन इज फ्रेगमेंटेशन, नंबर सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म, नंबर थर्ड इज लीचिंग, नंबर थर्ड इज लीचिंग, नंबर फोर्थ इज ह्यूमिफिकेशन, नंबर फिफ्थ इज मिनरलाइजेशन। इनका अपने ख्याल रखना बेटे,
डिकम्पोजिशन में आपको पांच इन चीजों का ख्याल रखना है, ये पांचों में एक्सप्लेन कर लूंगा। फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं ये, और इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। लाइकवाइज कैटाबॉलिज्म किसको बोलते बेटा, लीचिंग क्या होता है ये भी एक डिकम्पोजिशन के साथ साथ एक प्रोसेस चलता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है बेटा, एंड व्हाट इज मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन हम किसको बोलते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस। तो फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, नंबर सेकंड इज कैटाबॉलिज्म, नंबर थर्ड इज लीचिंग, नंबर फोर्थ इज ह्यूमिफिकेशन एंड नंबर फिफ्थ इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। आप कॉपी कर दीजिए। वो सर सिंपल लेकिन है, आपके टेक्स्ट बुक में है तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। ओके, तो पहला मैं आपको फ्रेगमेंटेशन बता दूंगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन में होता है क्या बेटा, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस। ये डेट्राइट्स होता है बेटा, ये कंपैक्ट होता है या ये जो ये लार्ज इसमें व्हाट इज कॉल्ड एज लार्ज साइज मैटर होता है बेटा। ये फ्रेगमेंटेशन में सिंपली क्या होता है बेटा, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द व्हाट इज कॉल्ड एज फाइन पार्टिकल्स, इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, इसीलिए इसको क्या बोलते बेटे फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है बेटा, लार्ज या कॉम्प्लेक्स लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेट्राइट्स ब्रोकन डाउन इंटू फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ऐसे तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते बेटे। इन फ्रेगमेंटेशन व्हाट हैपन्स दोबारा मैं बता दूंगा, लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेट्राइट्स It is broken into fragments. सिंपल सी बात है, फ्रेगमेंटेशन में होता है क्या, लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेट्राइट जो होता है बेटा, दैट इज ब्रोकन इंटू व्हाट इज कॉल्ड एज फाइन पार्टिकल्स आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। देखो बेटे आप फ्रेगमेंटेशन के फायदे क्या है मैं आगे बता दूंगा आपको। पहले जो ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन में जो होता है बेटे, इस ये कौन कैरी आउट करते हैं बेटा, डेट्राइट्स को, डेट्राइट जो होता है बेटा कॉम्प्लेक्स डेट्राइट्स को फ्रेगमेंट्स में कौन बेटे ब्रेक करता है, वो ऑर्गेनिज्म्स जो ये करते हैं, फ्रेगमेंटेशन इज कैरीड आउट बाय डेट्रिवोर्स, इट इज कैरीड आउट बाय डेट्रिवोर्स, फ्रेगमेंटेशन इज कैरियड आउट बाय डेट्रिवोर्स। डेट्रिवोर्स में तो एक हमारा आता बेटा अर्थवर्म, हमारे आते बेटे टर्माइट्स, और हमारे आते बेटा इसमें एक और चीज दैट्स कैरियन फ्लाइज। फ्रेगमेंटेशन में मैंने क्या बोला, डेट्राइटस ब्रोकन डाउन, इट्स फ्रेगमेंटेड इंटू फाइनर पार्टिकल, ब्रोकन डाउन इंटू फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, इसीलिए इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं दोज आर कॉल्ड डेट्रिवोर्स। द ऑर्गेनिज्म लिख के रखना है बेटी, द ऑर्गेनिज्म विच आर इन्वॉल्व इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइट्स दोज आर कॉल्ड डेट्रिवोर्स। डेट्रिवोर्स इंक्लूड अर्थवर्म, टर्माइट्स एंड कैरियन फ्लाइज। तो बेटा जो फ्रेगमेंटेशन हमने आपको पढ़ाया, फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है बेटे, ये जो डेट्राइट्स होता है इट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स या फाइन पार्टिकल्स, उससे क्या होता है फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक होने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, डेट्राइट्स का सरफेस एरिया, क्योंकि जब इसके छोटे छोटे हिस्से हो गए इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया और उस पर फिर एंजाइम्स माइक्रोबियल एंजाइम्स एक्ट कर लेंगे। ओके, तो सेकेंड थिंग इज That is catabolism. ये जो ये मान लीजिए fragments of organic matter,
फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये जो फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है इस पे एक्ट करेंगे बैक्टीरिया एंड फंजे। जब ये फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बन गए पहले स्टेप में, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, इस पे बैक्टीरिया और फंजे जो है ये एक्ट करेंगे। आपको पता है दे आर सैप्रोफाइट्स, दे वुड सिक्रीट एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। वो एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो सेल से बाहर निकलेंगे, बैक्टीरिया और फंजे जो सिक्रीट करेंगे, दे वुड एक्ट ऑन दिस व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड दे वुड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, दिस ब्रेक डाउन ऑफ, लिख लीजिए आप, दिस ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दिस ब्रेक डाउन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजे, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते बेटे। बैक्टीरिया एंड फंजे जो होते बेटा, दे सिक्रीट एंजाइम्स, ये एंजाइम्स सीक्रेट करेंगे, इस पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे बेटे और इसको कन्वर्ट करेंगे इंटू सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इसको हम बेटा बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स या विद द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, दैट्स फंजे एंड बैक्टीरिया। फंजे, बैक्टीरिया और फंजे जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स सीक्रेट करेंगे, वो करेंगे एक्ट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर और इसको सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे। दिस सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, नंबर थर्ड जो इसके साथ इन्वॉल्व है बेटे, एक और टर्म, दैट लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है बेटा, सम वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, सम वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ वाटर सॉरी नहीं कुछ वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, they move along with the water, they get dissolved in the water or they mix with the water, they get dissolved with the water and precipitate into the deeper layers of the soil where they become unavailable to the plant strata. So this phenomenon is called as leaching. Some water soluble inorganic nutrients precipitate, PPT, precipitate to the deeper layers of the soil. Along with the water. And become unavailable to the plant roots. And become what? Unavailable to the plant roots. Isko hum bolte bete leaching. Leaching is a sort of loss of what you called as inorganic nutrients or loss of mineral nutrients. Leaching mein hota kya beta? Hota kya hai? Some water soluble inorganic nutrients. They precipitate to the deeper layers of the soil. Ye water ke saath precipitate hokar to the deeper layers of the soil mein move karte beta, where they become unavailable to the plant's root stratum. Jahan ye plants ko available nahi rehte bete. Is phenomenon ko hum leaching bolte hai. Leaching is the loss of some nutrients. Leaching is the loss of some water soluble nutrients, inorganic nutrients to the deeper layers of the soil. Again, beta, main aapko bata dunga. Leaching is the loss of some water soluble inorganic nutrients from the soil. That's leaching. Now, दो चीजें मैंने बेटे आपको बोली, ये मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, इसमें नीट में क्वेश्चन आ सकता है। यह है टेट्राइट्स,
द रॉ मेटीरियल फॉर द डिकम्पोजिशन, इसकी हो गई डिकम्पोजिशन, इसकी हो गई बेटा डिकम्पोजिशन। इसको डिकम्पोजिशन के दौरान इसमें दो चीजें बनती है, एक बनता है ह्यूमस, और दूसरे बनते हैं मिनरल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, या सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। डेट्राइटस की जब डिकम्पोजिशन होती है बेटा, इसके दौरान दो चीजें बनती है, एक बनता है बेटा ह्यूमस और दूसरे बनते हैं मिनरल्स लाइक वाटर, कार्बन, मिनरल मिनरल मैटर या मिनरल एलिमेंट्स बनते बेटा, या वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनते बेटा। डिकम्पोजिशन के दौरान जो ये ह्यूमस बनता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन के दौरान ह्यूमस बनने को ह्यूमिफिकेशन बोलते बेटा, और मिनरल्स बनने को मिनरलाइजेशन कहते हैं। मिनरल्स बनने को मिनरलाइजेशन, ह्यूमस बनने को ह्यूमिफिकेशन। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा बेटे, यहां नीट में जो कभी कभार पूछा जा सकता है या जो कभी आता है, ये ह्यूमस क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ सकता है बेटे। ह्यूमस इज partially decomposed, humus is partially decomposed organic matter, humus is partially decomposed organic matter, इट इज डार्क। एक तो ये डार्क होता है बेटा, क्या ह्यूमस, स्लाइटली एसिडिक, कोलाइडल एंड अमॉर्फस, ह्यूमस इज पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजिशन के दौरान जब पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बनता है, इसको हम ह्यूमस बोलते बेटे। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंजाइम्स। हां बेटा, पहले मुझे बताओ ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस होता है पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज डार्क इन कलर, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, कोलाइडल ऑन द बेस ऑफ पार्टिकल साइज, इट्स कोलाइड, कोलाइडल एंड एमोर्फस। इट्स हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो डिकम्पोजिशन के पहले स्टेप में ह्यूमस बन जाता है बेटा, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो ह्यूमस होता है बेटा, ह्यूमस बनने को, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। और ये ह्यूमस क्या होता है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, डार्क इन कलर, स्लाइटली एसिडिक, कोलाइडल एंड एमोर्फस, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये बहुत स्लोली फिर बेटा डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एंजाइम इज नो डाउट इसको ब्रेक करेंगे, मगर स्लोली स्लोली इसको ब्रेक डाउन करते बेटा, आहिस्ता आहिस्ता से ये ब्रेक डाउन, ये एकदम से डिकम्पोज नहीं हो जाएगा।
और ये सॉइल में जो ह्यूमस होता है इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स का एक रिजर्वायर रहता है बेटा सॉइल में। कौन कौन बेटा? ह्यूमस। फिर इसको आहिस्ता 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 स्लोली माइक्रोबियल एंजाइम्स ब्रेक करते हैं टू सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो वो फिर अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स को। तो ह्यूमस का इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ रिजर्वायर ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इज अ रिजर्वायर ऑफ डिकोडर्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये लिखकर रख लीजिए बेटा आप। तो ह्यूमिफिकेशन आपको समझ आया, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस भी आपको समझ आया क्या है। तो अब एसेंस ऑफ ह्यूमस क्या है, ह्यूमस की एक एक तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटे। देखो बेटा, फर्स्ट थिंग इज ह्यूमस इज अ रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, नंबर वन। नंबर सेकेंड, इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आपको इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है बेटी। आपको जब सॉइल्स आपने पढ़ेंगे, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल्स, क्ले से 150 टाइम्स इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। क्ले जो होता है, क्ले इज हाई, हैज ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, लेकिन ह्यूमस का 150 टाइम्स ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत होती है बेटा। एंड इट कैन ऑल्सो व्हाट इज कॉल्ड एज रिटेन ऑक्सीजन। तो एक तो ये रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाएगा बाय द माइक्रोब्स और इससे मिनरल एलिमेंट्स निकलेंगे। दूसरा, इसमें इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है बेटा, ये सॉइल को वाटर होल्ड करने में भी मदद कर लेता है। नेक्स्ट इज, लास्ट इज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, इट इज द रिलीज ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। इट इज द रिलीज ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम द ह्यूमस। इट इज द रिलीज ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम द ह्यूमस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स। With the help of microbial enzymes or microbial activity. अब जो humus है ना बेटा, मैंने अभी आपको बोला आपको ये reservoir होता है जो soil में mineral elements निकलते हैं, इसी से निकलते बेटी। Humus से निकलना क्या? Mineral elements. Like आपको पता, micronutrients से निकलने, macronutrients like we have what is called as carbon, hydrogen, phosphorus, sulfur. फिर वो इसी से निकलता है, इस humus से निकलता है, क्योंकि इसी को फिर आहिस्ता आहिस्ता decompose कौन करते हैं? Microbes. उससे मिनरल एलिमेंट्स निकलते हैं, वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं बेटा। रिलीज ऑफ व्हाट वी कॉल्ड मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम द ह्यूमस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स और माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसको हम बेटा मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया बेटी व्हाट वी कॉल्ड एज ओके डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन हमने आपको बेटे ये मतलब एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डील विद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड इकोसिस्टम। Dear students, it was all for today's lecture. It was all about today's lecture. Inshallah, in our next lecture, we would discuss factors affecting rate of decomposition and what we call as ecosystem services. Thank you very much. Hope you have enjoyed.